आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए फैंस का उत्साह चरम पर है। चार साल बाद हो रहे इस टूर्नामेंट की मेजबानी भारत कर रहा है। भारत की मेजबानी में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर को होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा। बता दें कि पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जाएगा। इस बार वनडे वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली सभी 10 टीमें अपनी पूरी ताकत दिखाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। तो आइए जानते हैं उन सभी 10 टीमों के कप्तान के बारे में जो इस बार वनडे वर्ल्ड कप के मैदान में उतरेंगे। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा वनडे में 3 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के अकेले प्लेयर है। 36 साल के रोहित ने 251 वनडे मैचों में 10,112 रन बनाए हैं। ओपनिंग में विपक्षी गेंदबाजों की क्लास लगाने वाले रोहित ने 52 टेस्ट में 3,667 और T20 मुकाबले में 3,853 रन बनाए हैं। पिछले वर्ल्ड कप 2019 की चैंपियन इंग्लैंड की कमान 33 साल से जॉस बटलर के हाथों में है। विकेटकीपर बल्लेबाज बटलर ओपनिंग में धमाल मचाते हैं। उन्होंने अब तक 159 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 4,823 रन उन्होंने बनाए हैं। उनके नाम 11 शतक भी है। बता दें, इंग्लैंड इस बार खिताब की प्रबल दावेदारों में से एक टीम है। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को भी हर एक क्रिकेट फैन जानता है। न्यूजीलैंड ने पिछले वर्ल्ड कप 2019 में फाइनल खेला था, जिसमें न्यूजीलैंड को इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था। बता दें, केन विलियमसन ने अब तक 161 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 6,554 रन बनाए हैं। पाकिस्तान टीम की कमान 28 साल के बाबर आजम के हाथों में है। बाबर समेत ज्यादातर पाकिस्तानी प्लेयर पहली बार भारत दौरे पर आए हैं। बाबर ने अब तक 108 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 19 शतकों के बदौलत 5,409 रन बनाए हैं। साउथ अफ्रीका टीम की कमान टेम्बा बावुमा के हाथों में है। 33 साल के दाएं हाथ के बल्लेबाज बावुमा मिडिल ऑर्डर में बैटिंग के लिए उतरते हैं और टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। बता दें, उन्होंने अब तक 30 वनडे मैचों में 1,1367 रन बनाए हैं। सबसे ज्यादा 5 बार वर्ल्ड कप चैंपियन बनने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तानी इस बार पैट कमिंस संभाल रहे हैं। कंगारू टीम ने पिछला वर्ल्ड कप 2015 में जीता था। 30 साल के गेंदबाज कमिंस ने अब तक 77 वनडे मैच खेले हैं। बांग्लादेश टीम की कमान स्पिन ऑलराउंडर शाकिब अल हसन के हाथों में है। शाकिब लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। शाकिब ने 240 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 7,384 रन बनाए हैं। नीदरलैंड टीम्स की कप्तानी 27 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज स्कॉट एडवर्ड्स के हाथों में है। स्कॉट ने अब तक 38 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1,212 रन बनाए हैं। श्रीलंका टीम की कप्तानी 32 साल के दासुन शनाका कर रहे हैं। तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर शनाका मिडिल ऑर्डर में बैटिंग के लिए उतरते हैं। बता दें, उन्होंने अब तक 67 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 1,204 रन बनाए हैं। अफगानिस्तान टीम की कप्तानी हशमतुल्ला शाहिदी के हाथों में है। 28 साल के शाहिदी टॉप ऑर्डर के बाएं हाथ के बल्लेबाज है। बता दें, उन्होंने अब तक 64 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1,775 रन बनाए हैं। बता दें, शाहिद ऑफ स्पिन गेंदबाज है। तो ये थे 10 टीमों के 10 कप्तान जो इस बार वनडे वर्ल्ड कप के मैदान में उतरेंगे। आईसीसी 2023 वनडे वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। पिछले काफी दिनों से क्रिकेट फैंस वनडे वर्ल्ड कप के आधिकारिक शेड्यूल का इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म हो चुका है। आईसीसी ने आखिरकार इसे जारी कर दिया है। भारत की मेजबानी में खेले जाने वाले इस मेगा इवेंट में कुल 48 मुकाबले खेले जाएंगे। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।